हेलो दोस्तों, मैं हूं सिप लामा। स्वागत है मेरा चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे फिश करी कैसे बनाते हैं, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। इसका रेसिपी भी इसी पे है। तो किस तरह से बनते हैं, मच्छी में मैंने हल्दी और नमक डाल के सेट किया है और एक नॉनस्टिक में थोड़ा तेल डाल के इस पर हम मच्छी को फ्राई करेंगे। इसको फ्राई भी बोलता है और आपको पैन सेयर भी बोलता है, ताकि ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे मैं, थोड़ा नॉन स्टिक में हो जाएगा इतना से। इस तरह से हम फ्राई करेंगे मच्छी को, दो तरफ पकाएंगे अच्छा से फ्राई करके, अच्छा से दो तरफ फ्राई करेंगे। उसके बाद में हम मच्छी को निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। धीरे धीरे से बनाइए इसको। ये कढ़ाई में मत करिएगा, इस मच्छी को कढ़ाई में फ्राई मत कीजिएगा। कढ़ाई में फ्राई करेगा तो सब मच्छी टूट जाएगा, इसका स्किन बहुत सॉफ्ट रहता है। ये साउथ का फिश है और इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स टमाटो प्याज हरा मिर्ची धनिया लिख के रखा है। और इस तरह से हम निकाल के एक प्लेट में सेट करेंगे। पहले नॉनस्टिक में अच्छा रहता है फिश, तो नॉनस्टिक में भी फ्राई कीजिएगा। इस पर तेल भी कम लगता है और फिश भी अच्छा होल होल ही रहता है, ब्रोकन मतलब टूट नहीं जाता है, मैक्स नहीं होता है। तो हम पहले इसको ओनियन को थोड़ा स्लाइस कटेंगे। ओनियन को हमने दो ओनियन लिए, दो ओनियन को स्लाइस कटेंगे, स्लाइस कट के रखेंगे। उसके बाद में हम फिर इसमें हरा मिर्चा काटेंगे और टमाटो भी काटेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में अंत तक। इसका मसाला भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या डाल रहा हूँ, तो घर पे आप भी बनाइए, ट्राई कीजिएगा। बड़ा ही टेस्टी होता है फिश। जो बड़े बड़े फिश सबने बनाए हैं, जो राहू कतल सबने बनाए हैं, पंकज, ये फिश बड़ा ही टेस्टी होता है। ये जो साउथ में मिलता है फिश, साउथ का शीप है, आपका इसका जो टेस्ट होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये टोमेटो का ये स्टैम्पर्ड मत डालिए, ये पकता नहीं है, कच्चा रहता है, थोड़ा करी में थोड़ा दिक्कत करता है। ये हमने टोमेटो को भी स्लाइस काट दिए। तो दोस्तों अगले पहले का जो मैंने वीडियो डाला था, वो वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। हम आपको मैं बताता हूँ, हर वीक में एक लंबा वीडियो घर का, जो घर में कैसे क्या चीज़ बनता है इसे डालता हूँ। तो इसमें थोड़ा रेसिपी भी शेयर करता हूँ आपको। तो आपको ये जो पहले का वीडियो मैंने लाइव शेयर किया था, तो ये मैं थोड़ा ड्रॉपिंग कर रहा हूँ, बैक साइड से ड्रॉपिंग करके आवाज़ दे रहा हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो, हल्दी और रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ऐड कीजिए। और उसके बाद फिश मसाला और जीरा पाउडर। पैकेट नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, तो पैकेट दिखाएगा थोड़ा लगेगा कि प्रमोशन कर रहा है, इसलिए पैकेट नहीं दिखा रहा हूँ। हल्दी है, चिल्ली पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, बस उतना ही है। यही है घर का जो हम लोग का इंडियन हर्ब्स का जो है, जो हमने प्याज काटा था और हरा मिर्चा जो चिल्ली डाला था जो काटा था, वो हम पहले सौते करेंगे तेल में। जो तेल जो हमने मच्छी फ्राई किया था, वही तेल जो बैलेंस था, उससे भी हम ओनियन को और चिल्ली को फ्राई करेंगे, अच्छा से ब्राउन करेंगे। ब्राउन करके फिर इसको हम धीरे धीरे से हिला के इसमें हम टोमेटो ऐड करेंगे, जो स्लाइस टोमेटो हम लोग ने किया था, वो इस पर ऐड करके इसको भी थोड़ा हिलाएंगे। और थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे इसमें, नमक डालेंगे तो अच्छा से गल जाएगा टोमेटो। नमक डाल के हम इसको हिला के फिर एक ढाक देंगे दो से तीन मिनट तक के लिए। इस तरह से ढक देंगे और दो तीन मिनट में निकालेंगे तो थोड़ा गल जाएगा, तो इसको हम हिला के, तो इसमें हम जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट था हम ऐड करेंगे इस पर, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे इसमें हम। तो बड़ा ही रोमांचक रेसिपी है घर में जो बनता है, आराम से बनाने का। इसका जो टाइमिंग, बनाने का टाइमिंग आपको लगभग लगेगा 45 मिनट लगेगा, 45 to 40 मिनट लगेगा आपको। थोड़ा ये दो क्वांटिटी की, जैसे कि मैंने जो ये बनाया है 3-4 आदमी खा सकता है। तो हमने जो मसाला मिक्स किया था, ये मसाला इसमें डाल देंगे। इसको भी थोड़ा अच्छी तरह से बनेंगे 6 to 7 मिनट तक, ताकि इसका अच्छा कलर आए, इसका फ्लेवर भी अच्छा सेट हो जाए। ऐसे भून के जब फ्लेवर भी सेट हो जाएगा, मसाला अच्छा से कुक हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम पानी ऐड कर देंगे, गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करना, ठंडा पानी से थोड़ा टेस्टलेस हो जाता है, गर्म पानी ऐड करना। गर्म पानी ऐड करके हम इस पर जो फ्राई किया हुआ मच्छी डाल देंगे, और उसका बाद में ऊपर से जो हमने धनिया काट के रखा है धनिया डाल देंगे, और स्लोली 3 मिनट इसको बॉईल करेंगे, बस रेडी हो जाएगा ये।
कुछ भी नहीं है, सिंपल सा रेसिपी है, घर पे आप बना सकते हैं इजीली। बस मच्छी डाल दो और ऊपर से धनिया डाल दो, 3 मिनट तक इस तरह से, 3 से 2 मिनट इस तरह से हल्का आँच में बॉईल करो, बस कंप्लीट आपका रेसिपी। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नए है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।